तो गाइस देख सकते हो हमारे कड़ी चावल आ गए हैं मस्त एकदम और खाते हैं। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। और गाइस मैं आपके लिए फिर से एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आ गया हूँ। अगर आपने मेरे को इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे दोस्त का भी फ़ोन आया था कि हम चलते हैं हम सर्विस कराने के लिए बाइक की। तो गाइस चलते हैं हम अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए, मिलते हैं आपको सीधा रोड पर। गाइस देख सकते हो अब हम आ गए हैं रोड पर और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। मेरे दोस्त आया था मेरे घर और बोल रहा था कि भाई चलते हैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। मैं कहा दो मिनट रुक, मैं आ रहा अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं जल्दी से जल्दी एकदम रेडी हुआ और मैं अपने दोस्त के साथ आ गया हूँ। देख सकते हो आप, मेरा फ्रेंड अभी गाड़ी चला रहा है और ये रोड काफ़ी ख़राब हो रखी है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी क्योंकि वो हवा इतनी तेज चलती है सुबह ही सुबह। तो और ये देख सकते हो गाइस हमारे बिल्कुल बराबर में है पहाड़, जो कि ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं सुबह ही सुबह क्योंकि ये काफ़ी हरे भरे लगते हैं। और गाइस अब है मैं फ़िलहाल टीवीडी में और हम काफ़ी आराम आराम से चल रहे हैं, बस आगे पुलिस ना मिले वरना तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी एकदम। अगर मिल गई तो गाइस हम अपनी गाड़ी यूटर्न ले लेंगे पीछे। कौन चाहता है कि हमारी गाड़ी पकड़ी जाए, शायद लग तो रहा है भाई। हे भगवान, भगवान जी पुलिस वाले ना मिले। और गाइस देख सकते हो यहाँ पर अभी कोई पुलिस वाला नहीं है, हम बच गए, हम अपनी गाड़ी की आराम से सर्विस करा सकते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yes, का नाम सर्विस सेंटर से काफी आगे आ चुके थे, गाड़ी चलाते चलाते हमको पता ही नहीं चला। और कार थी काफी स्पीड में, बहुत तेज से जा रहा था, मैंने बता दिया वरना तो हम आज हरिद्वार ही पहुँच जाते। और ये देख सकते हो गाइस हमारे सामने है हीरो का सर्विस सेंटर, क्योंकि ये गाड़ी है स्प्लेंडर हमारी मस्त एकदम, जिसमें हम अपनी गेड़ी मारते हैं। यहाँ पर ताऊ खड़ा है बाहर। गाइस आप देख सकते हो हम आ गया है हीरो के सर्विस सेंटर और मेरे दोस्त करवा रहा है अभी रजिस्ट्रेशन और फिर हमारी गाड़ी की सर्विस हो जाएगी। और अभी तो काफ़ी टाइम लगने वाला है और फिर हम चलते हैं वापिस अपने घर, देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पर। जब हमने अपनी गाड़ी दे दी है सर्विस के लिए और वो चली गई है, ज़्यादा ज़्यादा बस एक घंटे का टाइम लगेगा और फिर हम वापस अपने घर चले जाएंगे या फिर रास्ते में कुछ खाए पिएंगे, क्योंकि मैं सोकर उठकर सीधा अपने दोस्त के साथ आ गया था। वैसे तो हमारी गाड़ी में वैसे कितना टाइम लगने वाला है? तो घंटे बस। हाँ यार गाइस आप देखो हमारी गाड़ी का भी क्या हाल हो रखा है। और देख सकते हो यहाँ पर पूरे में कुछ अभी स्प्लेंडर खड़ी है, क्योंकि स्प्लेंडर का यार ज़्यादा क्रेज़ है ना इसलिए। और हमारी गाड़ी का अभी फ्रंट जो हेडलाइट में होती है वो ख़राब हो रखी थी, उसे चेंज करा रहे हैं हम। और यहाँ पर भैया नई जो उसकी लाइट होती है लेकर आ गए हैं और अब लगा रहे हैं और फिर इसके बाद यह गाड़ी हमारी जाएगी धुलने के लिए। और यार मेरे को जुकाम भी हो रखा है। और जब गाड़ी की सर्विस हो जाती है ना उसके बाद गाड़ी काफ़ी मस्त चलती है, वो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि यार देख सकते हो हाँ हमारी गाड़ी का बल्ब ख़राब हो रखा था ये वाला। और भैया वहाँ पर सामने अभी नए वाला बल्ब टेस्ट कर रहे हैं। अब हमारी गाड़ी आ गई है वो उसके लिए, देख सकते हो भैया वहाँ पर अपना पानी मार रहे हैं उस पर, क्योंकि वो साफ़ हो जाएगी। फिर उसके बाद अंकल उस पर मारेंगे वो सर्फ वाला स्प्रे, जिससे मतलब मिट्टी वगैरह सब हट जाती है। गाइस देख सकते हो अंकल आ गए हैं यहाँ पर अपना स्प्रे मारने के लिए। और देख सकते हो अब हमारी गाड़ी होने वाली है जैसे कि बर्फ में खड़ी होती है। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है यार, तो बिल्कुल ऐसी लग रही है मेरे को भी यार। गाइस हमारी गाड़ी की अब सर्विस हो गई थी और हम जा रहे हैं अपने घर, देखते हैं फिर घर पे जा कर यार खाना खाएंगे, काफ़ी देर हो गई और मेरे को तो अभी भूख लग रही है।
गाइस अब हम आए हैं कढ़ी चावल खाने के लिए, क्योंकि अभी हमें काफ़ी भूख लग रही थी और अभी हम घर नहीं गए क्योंकि यार बाहर का कुछ खाने का मन कर रहा था, इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं और कढ़ी चावल खाएंगे अपना मस्त आराम से। तो गाइस देख सकते हो हमारे कढ़ी चावल आ गए हैं मस्त एकदम, और खाते हैं और चलते फिर अपने घर मज़े से। और इसने तो अपना खाना भी स्टार्ट कर दिया हमने अब खा लिया कढ़ी चावल और ये काफ़ी टेस्टी थे। और भैया की दुकान है हरिद्वार में आर्य नगर चौक पर, अगर आप आओगे तो काफ़ी मस्त बनाते हैं और 20 रुपये में फुल प्लेट मिल गई हमको। और चक्कर चलते हैं अब घर, बस अब चलते हैं हम घर क्योंकि मेरे दोस्त कर रहा अभी पेटीएम। तो गाइज़ आप भैया यहाँ पर काफ़ी मेहनत करते हैं, अगर आप आओगे तो गाइज़ मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर आप एक बार ज़रूर आना, और मेरे दोस्त कर रहा है पेटीएम। गाइज़ यार आप देख सकते हो मैं अपने घर आ चुका हूँ और आज बहुत मज़ा आया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो गाइज़ डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। अगर अच्छी लगी तो गाइज़ लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं आपको एक ऐसे मस्त ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।